Bashi Ganesha, De Bashi Ganesha, De Bashi Ganesha, De Bashi Ganesha. Hi guys, मैं इनाम हूँ और आज का टेल होगा हिंदी में, इंग्लिश का टेल नहीं, हिंदी में होगा. सीजन 1 एपिसोड 56 इस शॉर्ट मैसेज के बाद शुरू होगा. स्मिता की कहानी शुरू करेंगे. मी एंड स्मिता की कहानी शुरू हो रही है न्यूयॉर्क में, जब रिया नाम की लड़की को एक मैसेज मिलता है फेसबुक में स्मिता से. स्मिता आके बोलती है कि सुना है तुम इंडिया आ रहे हो, मिलना है, गपशप करेंगे. रिया को गुस्से में बंद करके माँ को कॉल करती है, बोलती है कि कैसे चल रहा है और सुना तुमको वो स्मिता के बारे में पता है? हाँ, वो ब्यूटीफुल आंखों वाली, घुंघरू बालों वाली, बहुत जो अच्छी है. तो रिया को बेटी से इतना गुस्सा आ जाता है, माँ से इतना गुस्सा आ जाता है, बेटी रहते बोलते हैं हाँ राहुल भैया को बोलो कि मुझे एयरपोर्ट में पिकअप करने के लिए मुझे काम है, मैं बाद में मिलूंगी इंडिया को आने के बाद. हाँ, काट देती है फोन और एयरपोर्ट से पहुंचती है इंडिया को, जहाँ राहुल उसका भाई पिकअप करता है, बड़ा भाई और उसकी दो बेटियाँ. और राहुल की एक कहानी है कि राहुल की जो वाइफ रहती है वो उसका देहांत होकर रहता है एक एक्सीडेंट में. और टू मेक थिंग्स वर्स टू रिया कि राहुल और स्मिता एक ही बिल्डिंग में काम करते हैं, तो राहुल स्मिता के बारे में बताता रहता है रिया को पूरे ड्राइव में. जब पहुंचती है, जब तक दिमाग खराब हो चुका है वो स्मिता के बारे में सोच के सुन के. माँ पापा को मिलते हैं और फैमिली फंक्शंस होता है, बहुत खुश होती है कि मैं फाइनली घर में हूँ. तभी उसका दिमाग जाता है फ्लैशबैक पे, जहाँ स्मिता के साथ थी वो बचपन में. वो लोग आके गांव में रहते थे और पहाड़ी लोग थे और वो स्कूल को जाते थे. रिया आके स्मिता के साथ रहती थी क्योंकि स्मिता को आके रिया पसंद थी, एक दूसरे को बहुत चाहते थे फ्रेंडशिप लेवल में. और स्मिता के माँ मर चुकी थी और पापा आके संभालते थे, तो स्मिता को आके रिया के खानदान में बहुत प्यार मिलता था. तो ऐसे ही इन दोनों की कहानी शुरू हुई साथ में और साथ में चलते गए. और उसी वक्त जब कॉलेज पर गए, उनका पहला मेजर ब्रेकअप फाइट हुआ था, जिसमें वजह इसलिए थी कि वो स्मिता के इकोनॉमिक्स लेना चाहती थी और रिया के मैथ्स में जाना चाहती थी. बट रिया के स्मिता की बहुत बड़ी फैन थी और रिया को आके इकोनॉमिक्स चूज करना पड़ा, जिसके लिए रिया बहुत रिग्रेट की और फाइनली स्मिता को बता दी कि स्मिता की वजह से उसने ये किया था. तो स्मिता ने कहा वो मेरा फॉल्ट नहीं है, वो तुम्हारा फॉल्ट है, मैं तो तुमको फोर्स नहीं की थी. तो रिया को आके बहुत हर्ट हुआ था, बट वो इंट्रोवर्ट थी तो एक्सप्रेसिव नहीं थी, दिल में वो दर्द लेके जा रही थी. तो कॉलेज में स्मिता, बिकॉज वो सब लोगों से बहुत फ्रेंडली थी, इसीलिए वो सब लोग उसको पसंद करते थे. बहुत लड़कों के साथ भी आना मिलना जुलना शुरू हो गया था स्मिता को, इस वजह से थोड़ा डिस्टेंस हो गया था रिया और स्मिता के बीच, जो पहले नहीं था. ये सब रिया के दिमाग में चल रहा था और फैमिली फंक्शंस हो रहे थे और माँ ने कहा कि रिया की माँ की स्मिता ने बुलाया था, वो राहुल के ऑफिस में भी काम करती है, वो एक ही बिल्डिंग में काम करते हैं, क्यों तुम उसको मिली नहीं अभी तक, क्या वजह थी? तो रिया कुछ नहीं बोलती है और वापस चली जाती है अपने रूम को और उन दोनों बच्चियों के साथ खेलती रहती है जो राहुल की बेटियां हैं. और उसी वक्त उसको याद आता है कि स्मिता और रिया दोनों एक दूसरे को कितना प्यार करते थे, जितना ये पलक और टीना पसंद करते थे जो राहुल की बेटियां थी. उसी वक्त मेन चीज पर उसका फोकस गया कि पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कैसा हुआ. और वो स्मिता से ऑलरेडी बात कर चुकी थी और दोनों लंच पे मिल रहे थे और दोनों मीट किए, बैठे, एक दूसरे से बात किए. तभी उन दोनों ने उस चीज़ का बात किया जिसका उनका ब्रेकअप हुआ था कॉलेज में. क्या हुआ था कि अखिल के नाम के लड़के पर रिया को क्रश हो गया था और स्मिता ने इन दोनों को मिलाने की कोशिश की, बट साइड में स्मिता के अखिल को डेट करना शुरू करते हैं और एक दूसरे के बीच साइड में एक दूसरे के साथ रहते हैं रिया को बताए बिना. रिया को पता चलता है ये दूसरे लोगों से, तो वो दिमाग खराब हो जाता है उसका और इसीलिए वो जाती है
और कन्फ्रंट करती है स्मिता के पास, और स्मिता बताती है कि तुम्हारा डेड वेट उठाते उठाते मेरा मैं नहीं चाहती हूँ तुमको, तुम मेरी दोस्त नहीं हो, तुम मेरी जिंदगी में मत आओ। तो रिया को और अंदर से टूट जाती है और वो यूएस को चले जाती है, और स्मिता जो है वो अखिल से शादी कर लेती है। इन ये अपडेट मिलता है दोनों के कॉन्वर्जेशन में, तो स्मिता बोलती है कि और आज अखिल ने एक दूसरी लड़की के साथ भाग गया और मुझे डिवोर्स दे दिया है अखिल ने। मैं तुम्हारा दर्द जो तुमने महसूस किया था एक ज़माने में मुझे भी महसूस हुआ, तो मैं सॉरी पूछती हूँ उसके लिए, प्लीज़ फॉरगिव मी। तो रिया ये इस बात को सुनकर उसका दिल खुल जाता है, फ्रेंडशिप वापस आ जाती है, और ये यूएस से इसको आधा हार्ट का नेकलेस गिफ्ट करती है। और उस टाइम से और क्या करती है कि ऑर्गेनिकली वो देखती है कि स्मिता और उसका बड़ा भाई राहुल, जिसकी बीवी का देहांत हो गया था एक्सीडेंट में, उन दोनों के बीच में प्यार होता है और रिया ही उनका कन्यादान करती है और ब्लेस करती है। और ये ही एक चीज़ रहती है कि वो सोचती है कि मेरी और स्मिता की ज़िंदगी कितनी जुड़ी हुई है। एक बहन का कनेक्शन है, एक मोर देन अ फ्रेंड का कनेक्शन है, ब्लड का कनेक्शन है। एंड यही थी कहानी रिया और स्मिता की, एपिसोड 56 में। मैं हूँ इनाम। आपके गर्लफ्रेंड्स जो हैं, आपके बॉयफ्रेंड्स जो हैं, उनको पकड़ के रखिएगा, अपने दोस्तों को पकड़ के रखिएगा। सो अंटिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। सी या।